सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक संवेदनशील विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज देश के अंदर हमने देखा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस तरह की फिल्में, जिस तरह के टीवी सीरियल धारावाहिक, जिससे हमारे जो इतिहास है हमारा उसके साथ छेड़खानी की जाती है और फिर उनको हिट कैसे करें फिल्म और सीरियल को। ऐसा ही एक उदाहरण मैं दूंगा, सोनी टीवी पर पुष्य श्लोक अहिल्याबाई नामक टीवी धारावाहिक प्रसारित किया जा रहा है। उसमें 17 नवंबर 2022 के एपिसोड में हमारे राजस्थान के भरतपुर के अजय योद्धा महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसको लेकर राजस्थान सहित देश भर में महाराजा सूरजमल जी में आस्था रखने वाले लोगों, जाट समाज सहित सर्व समाज में भारी रोष व्याप्त है। सौज महोदय, इससे पूर्व पानीपत फिल्म में भी महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को गलत रूप से दर्शाया गया था, जिसका सड़क से लेकर सदन तक हमने भी विरोध किया, तमाम लोगों ने विरोध किया कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर बाद में मिले गृहमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, और वो उन दृश्यों को हटाया गया था। सौज महोदय, मेरा निवेदन कि आप इस तरह सच्ची लोकप्रियता हासिल करने के लिए रक्षा के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं के इतिहास को गलत रूप से फिल्म या धारावाहिक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले लोगों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले पुष्य श्लोक अहिल्याबाई नामक धारावाहिक के निर्माता निर्देशकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। साथ ही जिस एपिसोड में महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को गलत रूप से दिखाया उसको सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और निर्माता निर्देशक पूरे देश से माफी भी मांगे, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी वो योद्धा और शासक थे जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा और हमेशा देश की अखंडता की रक्षा की, और सूरजमल जी का अपमान किसी भी रूप में देश में स्वीकार्य नहीं है। सूरजमल जी धर्म रक्षक और अजय योद्धा थे। सभापति, मेरा निवेदन था कि राजस्थान पत्रिका सहित प्रमुख देश के अखबारों ने इसको प्रमुखता से उठाया। मेरी सरकार से मांग है कि सोनी जो ये टीवी का ये सीरियल है इसको बैन किया जाए और इसमें भारी रोष देश के जवानों के अंदर निशिकांत दुबे जी नहीं हो और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े देश की, ये मेरा निवेदन।